तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो कहां से इमदाद ला रहे हो? सुना है फ्यूल इस महीने तुम और महंगा करा रहे हो। महंगाई है आंखें दिखा रही तभी तो आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ग्रेट सर, माशाल्लाह। आप इंटरव्यू लगा ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म चले जाए सही टाइम पे, लेकिन लग अच्छे रहे हैं सर। लेकिन ऑन ऑन ही है भाई। क्या बात, शादी एक दिन ना परेशान बैठा, मैं कहा की होया? कहता दूल्हे दे अबू ने चपेड़ा मारियां। इस नाल नान खा के कही जे नहीं यार वो पीजे नहीं रहे हो। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन होते थे उस पंजाब असेंबली के अंदर जो कि अब ना रही, जनाब मियां नसीर अहमद। और हमारी दूसरी मेहमान मॉडल मारिया जेब। फैशन मॉडल और सिंगर हैं मारिया जेब, साथ इनके हैं PMLN के मियां नसीर साहब। देखना ये है कि आगे अब क्या होता है। दोनों डिशों का अपना अपना जायका है। जिंदगी दी एक गोट दे पीछे, सौ चीले बोट दे पीछे, अरे वाह, कई ऐब लकाई फिरना, कई ऐब लकाई फिरना, खाली पेट इस कोट दे पिछे। धीरे धीरे वो मेरे दिल में समा रही थी, पता नहीं वो मुझे इतना क्यों सता रही थी। बड़ी अकलमंद बन के बैठी है रुखमा, कल सालन के साथ रस खा रही थी। पहले तो मैं एक बात बोलना चाहती हूँ इस शो पे आने से पहले। मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि इतने ब्रिलियंट एक्टर्स हैं यहाँ पे, मतलब कि जो हमें एवरीडे हंसाते हैं। सो आई एम ग्लैड टू बी हियर। यानी जिंदगी में पहली मर्तबा मैंने सुना आपके बारे में ब्रिलियंट। हम लोग तो वैसे ही बैठे होते हैं घर पे, इतने बोर हो रहे होते तो ये लोग हंसाते हैं। किस्मत वाले सामने ताड़े हंसाने वाले बैठे, सज्जे हाथ रवान वाले बैठे। मियां साहब क्या हाल चाल है? शुक्र है लगे जी सब। आप आ भी गए और आप लोग चले भी गए? नहीं अभी हैं। नहीं नहीं, मतलब वहाँ पे आ गए यहाँ से चले गए, ये क्या बात हुई? आधे चले गए, ये कैसा आना हुआ जिसमें जाना पड़ गया? बस ये समझ लें कि ये जो हम आए हैं ये वो मेहमान अदाकार के तौर पे। दूसरा, ये 9-10 महीने का टाइम तो मेहमान अदाकारी है ना, ये तो पूरा टाइम तो नहीं है। अच्छा, तो इसलिए उस टाइम के लिए आए हैं। और ये समझ लें कि ये मुश्किल हालात थे, ये तमाम मुश्किलात और बदनामी हमने अपने सर लेनी थी वो ले ली है। मगर आप लोग तो मेन रोल करने वाले हैं, तो ये आप लोगों ने ये साइड रोल क्यों पकड़ लिया? अच्छा, ये बजाहिर साइड रोल लग रहा है लेकिन था नहीं, क्योंकि जब हम खुद ही कहे मेहमान अदाकार तो फिर साइड रोल पे। वो इस पे आ रहा हूं कि जितना भी रोल था वो उस वक्त पाकिस्तान की जरूरत भी थी और हालात की भी जरूरत थी, इसलिए हमने किया और वो करना जरूरी था। अगर हम ना करते तो फिर कौन करता? और ये हमें पता था कि एक बहुत बड़ी मुश्किल है, मुशक्कत है और हमारे लिए एक तकलीफ है जो हम लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन ली है। अब अल्लाह खैर करे जी, अब देखते हैं, सियासत में होता है ऐसे ही, कोई मुश्किल बात नहीं। तो इससे अगले इलेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर? 100% पड़ेगा जी, लेकिन मैं आपको बात बताऊं जी, अब जो मुल्क के हालात हैं और जो मामला चल रहे हैं उसमें अब इलेक्शन ज़रा असल इशू रहा नहीं है। अब इलेक्शन से हट के चीज़ें, लेट्स सी इलेक्शन होते हैं, हम नहीं जीत पाते, कोई और पार्टी आती, खां साहब आ जाते हैं, लेकिन थोड़े या ज्यादा हम ऑपोजिशन में तो रहेंगे। तो जब हम ऑपोजिशन में रहेंगे और अगर हमने भी रवायती ऑपोजिशन का किरदार अदा किया, वो हुकूमत आती है हम उनकी टांगे खींचते हैं, या हमारी हुकूमत आती है वो हमारी टांगे खींचते हैं, तो अल्टीमेट नुकसान शायद पार्टियों का नहीं पाकिस्तान का। लेकिन नसीर साहब, उन्होंने भी हुकूमत आ गई है, उन्होंने तनु मच जेल च भेजना है, जहां मर्जी भेजना। जिन्होंने रोना है उन्होंने एक दिन में रो पड़ना है, जिन्होंने नहीं रोना उन्होंने 3 साल भी नहीं रोना। मुझे लगता है रोती अवाम है, अवाम है। दूसरी बात मैं ये करना चाहती हूँ, देखिए पार्टी 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 कहाँ स्टैंड कर रहा है इस टाइम पे पाकिस्तान, आप खुद सोचें।
पॉलिटिकल सिचुएशन इज वेरी मेस्ड अप राइट नाउ इन पाकिस्तान. मतलब हर बंदा आपको पता है बस वेट कर रहा है कि कब हालात ठीक होंगे. आगे के जो 10 ईयर्स है उनके अंदर तो पाकिस्तान में देर इज नो अपॉर्चुनिटीज इन पाकिस्तान, कुछ भी नहीं है. और बस पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं कि जी भाई ठीक है कुर्सी 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 लड़ना लड़ना ही होना चाहिए. आपके ख्याल में इसका हल क्या है? इलेक्शंस हल है, इलेक्शंस बहुत जरूरी है. पता अच्छा आपको? अब वो हाँ जो दूसरे वाले वो कहते हैं कि इलेक्शन टाइम पे होंगे जब होने थे. यही तो बहुत बड़ी बात है ना. देखिए मैं कहती हूँ कि ठीक है अल्लाह ताला आपको पता है पावर देता है लेकिन उसका गलत इस्तेमाल तो नहीं करना चाहिए. कितनी पॉलिटिक्स में ये हो गया, आप देखिए इंडिया कहाँ जा रहा है, उसके अलावा कितनी कंट्री, ये तो अफ्रीका बनता जा रहा है. ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, डिग्री होल्डर्स हैं ठीक है, उनके पास कोई जॉब नहीं है. तो मतलब सिचुएशन तो बहुत खराब है, और क्या इससे बुरा हो सकता है आप बताएं. लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि जिस तरह आपने कहा कि इसका हल इलेक्शन है, मगर अब अगलों का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इलेक्शन जो है वो टाइम पे होंगे जब 5 साल असेंबली मुद्दत पूरी करेगी. आप मुझे ये बताएं कि हिस्ट्री में आपने देखा है कि किसी ने 5 साल निकाले हैं, किसी को रहने देता है ये पाकिस्तान की आवाम भी बहुत बुरी है ना. पिछले टेन्योर में नून लीग जो थी 2018 तक 5 साल पूरे किए, उससे पहले पीपल्स पार्टी के दौर में 5 साल पूरे हुए थे. चले वो पूरे तो उन्होंने किए हैं लेकिन मुझे बताएं कि पूरे करने के बाद क्या हुआ है अभी. उसके बाद इमरान खान साहब आ गए. मैं ना तो इमरान खान ना तो नवाज शरीफ शहबाज किसी के बारे में कोई गलत बात नहीं करती, उनको भी नहीं करनी चाहिए. एक दूसरे को पॉइंट आउट करना अपनी बेइज्जती है. चैनल पे 24 घंटे एक दूसरे को गालियां, वो उसको उसको कुछ बोल रहा है, उसको बोल रहा है. इस चीज से हट के अब इन लोगों को सोचना चाहिए कि हमारा मुल्क किस सिनेरियो पे खड़ा हुआ है, हम किस स्टेज पे है. मैडम ने बड़ी अच्छी बात की जो आपने इनसे पूछा भी होना क्या चाहिए. ये इनकी बात ठीक है कि अब पॉलिटिक्स से हट के पॉलिटिशियंस को जरा सोचना पड़ेगा. एग्जैक्टली. और एक कौमी यक नकाती एजेंडा बनाना पड़ेगा. इलेक्शन हल नहीं है. आप आज कराएं 10 साल बाद कराएं, गवर्नमेंट बनेगी अपोजिशन होगी वही फिर बातें होंगी. तो जो एक कौमी यक नकाती एजेंडा होगा कम अज कम उसमें ये हो कि हमने 3 साल 5 साल या 10 साल इस मुल्क के लिए काम करना है. नहीं करेंगे तो फिर और बहुत सी कुवतें हैं जो यहाँ पे खराबी पैदा करती हैं. सियासी मैसअप क्रिएट होता है, कुछ जाता है रोते हुए बाहर आता है, किसी ने कहा किसी को फलां कर दिया, ये इसी तरह चलेगा. कोई अंदर रोएगा कोई बाहर रोएगा. अब ये इसका इलाज है नहीं. अगर ये सिर्फ होगी जी इलेक्शन करा दें और इलेक्शन के बाद आपका क्या ख्याल है जो अपोजिशन आएगी वो चुप करके बैठेगी? कभी भी नहीं बैठेगी. बैठेंगे तब जब ये सारे एक टेबल पे बैठेंगे और उस पर जो अपनी अना है उसको खत्म करके आगे बढ़ेंगे. लेकिन सर वो खत्म हो नहीं रही. देखो ना कि तुसी आए सो महंगाई मार्च कढ़िया ये वो, पेट्रोल कितने चला गया. मैं कसमें अब आ रहे हैं, मैं कह 10,000 का पेट्रोल पा दियो, वो कहते 500 का पैना. मैं कह मेरे फिर कान च पा दियो. पेट्रोल हो नहीं पा रहा फिर महंगा होने लगा. जी मुबारक हो. नहीं महंगे का नहीं, वो एक और वैसे भी एक शॉर्टेज का मसला कुछ शॉर्टेज नहीं है, महंगा होगा. बहुत महंगा हो गया पेट्रोल, बहुत महंगा हो गया. सीरियसली क्या करे बंदा, समझ नहीं आती. साइकिल हर चीज इतनी एक्सपेंसिव हो गई. सीरियसली बंदा क्या करे. टमाटर प्याज इतने एक्सपेंसिव हो गए जो मेन इंग्रेडिएंट है एवरीडे जो हम लोगों को यूज करना है. मतलब ये देखे जरा आप लोगों ने कैसी फिक्रें डाल दी हैं. बर्गर देख के सिर्फ ढिड भर जाता है. कैसी कैसी आप आपके साथ बैठे हुए ना हुकूमत वाले, इनसे पूछे कि इनको क्या कह सकते हो. मैं कह रहा हूँ ये हुकूमत अपोजिशन सबका इशू है ना, महंगाई को. ये थोड़ी है कि किसी को हमने कहना तो है ना. जो देखिए ये सारे के जितने भी पार्टी मेंबर्स हैं इन लोगों को भी चाहिए ना, ये लोग भी तो आवाज उठाए ना. मतलब क्या है, मतलब किसी को तो बोलना पड़ेगा. निकल गए सारे जिन्होंने आवाज उठाई. ऐसा तो है क्या है, वो रीइमेजिनिंग पाकिस्तान वाली पार्टी में चले गए हैं वो. लेकिन आप हैप्पी रहे, नसीर भाई ने वादा किया कि सब बच्चों को मेहमानों को जाते वक्त 20,000 रुपया दे के जाऊंगा. बड़ी बात है जी, बड़ी बात. क्या ऐसी कोई बात है जो हमें पता ना चली. चलो सुन के तो अच्छा लग गया ना. वोट कास्ट करती हैं? अभी तक तो मैंने नहीं किया लेकिन अब मैं करूंगी इंशाल्लाह. आपने सोचा इमरान खान को करूंगी पक्का. अच्छा जी वोट डालें जिसको भी डालें. वोट डाल दें वो जो आपने रखा हुआ. नसीर भाई तानू पता देगा वोट किनू पैने आए. मुझे लग रहा है वैसे नसीर साहब भी कुछ ना कुछ तरह थके हुए हैं. लाइक मुझे लग रहा है ऐसे कि कोई होता नहीं कि इंसान थोड़ा भोजल हुआ होता है. देखिए हर जो पाकिस्तानी है वो अगर इससे देखे तो अच्छे हालात तो नहीं है, तो फिर असरात तो सब पे हैं. तो इसलिए जरा फिक्र ज्यादा है, सोच ज्यादा है और दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात. अगर इलेक्शन की तैयारी वगैरह शुरू किया आपने? मैं आपको बात बताऊं सब इलेक्शन वाले मामलात नहीं है, पाकिस्तान के हालात अब इलेक्शन से मुबर्रा हो चुके. नहीं मगर वो कराने तो पड़ेंगे ना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है तो कराना नहीं. कॉन्स्टिट्यूशन में और भी बहुत कुछ है, वो हम थोड़ी करते रहे सारा.
तो हमने तो मुल्क अच्छा। देखना है ना, पाकिस्तान ने कैसे चलना है, पाकिस्तान के लोगों के लिए क्या बेहतर है। मतलब ये लॉजिक काफी रहेगी टू टेल केजी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर के लिए इलेक्शन अभी नहीं हो सकते, अगर तो 75 सालों में हर चीज कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हुई है तो फिर जरूर कीजिए। सर कब होगी पहले ये तो बताया ना फिर। मतलब देखिये मैं कोई स्पे नहीं कह रहा, मेरी एक जाती एक ख्याल है कि अगर टाइम पे हो जाते हैं और हालात इजाजत देते हैं तो बहुत अच्छी बात है और लोग भी मुत्तफिक हैं, तमाम जमातें मिलकर फैसला करती हैं तो अच्छी बात है। लेकिन अगर तमाम जमातें मिलकर कोई और फैसला करती हैं जो इस मुल्क के लिए, हो सकता है ये फैसला कर दें जी इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बना दें, तो मैं कह रहा हूँ ये भी बात हो सकती है। कोई इस तरह की बात कर सकते हैं कि कोई कहे अपना बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बना दे सारे मिल के, अगर तो कोई इस तरह का आप होने वाली बात है। अगर आपकी इजाजत हो एक बात बच्चों से पूछ लेते हैं, बिलावल को बनना चाहिए प्राइम मिनिस्टर, इमरान खान को बनना चाहिए? मर्जी का रिजल्ट चाहते हैं आप लोग, ये तो गलत बात है। पूरा फिर पोल कराओ ना, बिलावल साहब को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, इमरान खान साहब को बनना चाहिए, नवाज शरीफ साहब को बनना चाहिए। देखिए मिक्स आ रहा है, सिर्फ एक बच्ची मियां साहब देखा ये जो कंपार्ड आई है तीसरा कर दी। सर मैं आम मियां साहब वाला, मैं नून लीग का बंदा हूं। तुम तो रहने दो, तुम पता नहीं किस तरह मैं मियां नवाशी साहब जिंदाबाद है, केड़ी गल तुसी कर रहे जे? अच्छा मियां नवाशी साहब इमरान खान जिंदाबाद है, ये लोटाइज्म दी नवी शाख निकली है सर। बहुत खातिर हमारी हो रही है, कोई फहरिस्त जारी हो रही है, फकत वो वक्त की रोटी की खातिर बड़ी खज्जल खुआरी हो रही है, वो हल्के में लगे हैं आने जाने, इलेक्शन की तैयारी हो रही है, आहो आहो आ। वेलकम बैक जी रुक्मा। अच्छा मारिया ये बताएं कि मॉडलिंग में भी सियासत चलती है क्या, जिस तरह पॉलिटिक्स में एक ग्रुपिंग वगैरह या पार्टीज बनी होती हैं उस तरह मॉडलिंग में भी होता है क्या? मॉडलिंग की फील्ड में जितनी ये सियासत आप देखते हैं ना, इससे भी बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स होती है, ठीक है? आपको नहीं पता हमारी इंडस्ट्री में कितना कंपटीशन है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह इंडस्ट्री तो बहुत ग्रो कर रही है, बट देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन। एक बात मैं जरूर बोलना चाहती हूँ, एक होती है इनसिक्योरिटी होती है, वो हमारी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा है, इंडिया में भी है डेफिनेटली, बट यहाँ पे भी बहुत ज्यादा है। सिक्योरिटी जब होती है तो ऑटोमेटिकली आपको पता है जेलसी उसके साथ आ जाती है ना, जब इनसिक्योरिटी होती है तो यहाँ पे है, होनी नहीं चाहिए। और जब जेलसी आ गई तो फिर हेटरेड भी आ ही जाएगा। स्किन कलर ये मैटर नहीं करते, ठीक है? आप देखें आप आउट ऑफ कंट्री में चले जाएं, कैसे मॉडल्स होते हैं वहाँ पे, कितनी आपको पता है वहाँ पे एक डिफरेंट माइंड सेट होता है लोगों का। यहाँ पे आपको पता है जो भी हो जाए जितना भी हो जाए, इंडिया पाकिस्तान में ना क्या होता है यहाँ पे है ये चीजें। अच्छा आपको वैसे काफी नॉलेज है इंडिया की मार्केट का भी? देखिए मुझे इंडिया की मार्केट का नॉलेज डेफिनेटली, जब आप इस फील्ड में होते हो तो आपको पता है, आप वॉच आउट करते हो हर चीज, आपको सारी चीजों के बारे में अपडेट तो होती है, आपको पता होता है कि भाई उस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, हॉलीवुड में भी क्या हो रहा है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होता है। लेकिन अपनी इंडस्ट्री की मैं ये कहती हूँ कि हमारे पास बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत ज्यादा अंडरग्राउंड भी आर्टिस्ट हैं। यहाँ पे एक चीज मैंने नोट की, यहाँ पे देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, आई डोंट नो आपको प्लेटफॉर्म मिलना, आपको वहां तक पहुंचने में आप खुद बुड्ढे हो जाते हैं। अच्छा नहीं मगर स्ट्रगल तो जिंदगी में जनरली हर फील्ड में ही होती है। देखें स्ट्रगल के बगैर तो आपको कुछ मिलता भी नहीं है ना। हार्ड वर्क अगर आप करते हो तो जब आप उस जगह तक पहुंचते हो ना, तो देन आपको फील होता है यार नहीं मैंने ये किया था और मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। देखिए मारिया मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा था कि आप माशाल्लाह जितनी प्यारी हैं, कोई ऐसा शख्स है इस दुनिया में कोई आपको भी प्यारा लगता हो? मेरी माँ। ये तो अहम रिश्ते हो गए। मैं ऐसा मैं पूछना चाह रहा था कि आइडियल भी होता है ना शख्स, ख्वाबों का शहजादा। आइडियल शाहरुख खान है, वो तो मिल नहीं सकता। क्यों नहीं मिल सकता है? दुकान तो मैं तीन लेके आया कल। रियल वाला चाहिए, लेकिन वो मेरे से बहुत बड़े हैं, उनके बच्चे मेरे जितने, अब क्या हो सकता है? पुरानी मूवियां देख के बंदा थोड़ा अपना दिल इधर उधर कर लेता है। शाहरुख खान आपके फेवरेट? ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर मुझे लगता है, ठीक है। और पाकिस्तान का बिलाल अब्बास मुझे बहुत पसंद। बिलाल अब्बास तो देखे आपको, कुछ ना कुछ तो एक करीब तरीन चीज आपने ढूंढी ली है ना, बहुत अच्छे लगते हैं। बिलाल भाई से बात करें अगर आप एग्री हैं तो डेफिनेटली। जमाल सर के साथ मैंने किए हैं, बहुत छोटी थी मैं, वो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। उसके बाद करते करते फिर देयर इज अ लॉट ऑफ पर्सनल इश्यूज, तो मैंने वो सारी चीजें क्विट कर दी, देन आई गो फॉर जॉब डेली। एंड उसके बाद फिर ये हुआ कि फिर मुझे पता चला कि नहीं मैं
गाना मुझे शौक है, शायद मुझे यही करना चाहिए आगे प्रस्यू। आई जस्ट स्टार्टेड माई सिंगिंग करियर और मैं बस चाह रही हूँ कि इंशाल्लाह उसी में कुछ करूँगी। गाना भी गाती हैं आप? गाना गाती हूँ मैं, थोड़ा सा कर हो जाए। नहीं गाती जितना मतलब बाकी सब गाते हैं। हमें भी इतना नहीं सुनना आता, थोड़ा सा सुना दे। उसके बाद फिर ये है कि बस वही अभी अपना करियर स्टार्ट किया मैंने। और मेरा सवाल था, आपको एक्टिंग का शौक? एक्टिंग का शौक भी है डेफिनेटली। आज बड़े मुसलमान बोल के सवाल पूछ रहे हैं। मैं बोलती थोड़ा ज्यादा हूं एक्चुअली। ना करे ये, हमें तो पता ही नहीं चला। गवर्नमेंट चुप कराती है। जी सुनने का है। किसके सुनते हैं ज्यादा? मियां साहब। कोई क्लासिकल में? अरे बाबा, तो कौन सर नसीसम क्लासिकल में कौन कोई आ जाए, नुसरत फतेह अली खान कर दें इस तरह, कोई भी पुराने गाने, कोई भी पुराने गाने सुनते हैं। हनी सिंह भी क्लासिकल ही लग रहे हैं। हनी सिंह का कहां पता आपको? पता ही हनी सिंह नाम सुना हुआ? नाम सुना हुआ ना आपको? कोई है क्लासिकल आते हैं? पुराना गाना एक बहुत ही पुराना हो जाता है कभी कभी, मेरे दिल में ख्याल आता है तो वो अम्मा के साथ गाती होती हूँ अक्सर बैठ के, ओल्ड स्कूल टाइप गाने। आपको वैसे कौन पसंद है? मैं बहुत ही डिफरेंट जॉनरा सुनती हूँ, मुझे सिद्धू मूसे वाला ठीक है, नुसरत फतेह अली खान ठीक है, पॉप रॉक हो गया, क्लासिकल भी सुन लेती हूँ। क्लासिकल में मुझे वही बात है, नुसरत फतेह अली खान वन ऑफ द बेस्ट एंड फाइनेस्ट। आपको भी नुसरत फतेह अली खान पसंद है? मियां साहब को पसंद है? वो किसको पसंद नहीं, वो तो हर किसी को पसंद है। नुसरत फतेह अली खान का कौन सा सुना सकती हूँ, मैं गाना कौन सा गा सकती हूँ? वो सुना दें, दिल में मेरे है दर्द डिस्को। उनकी एक बहुत फेमस वो जो है, तुम्हें दिल लगी भूल जानी, थोड़ी सी वो दो गुनगुना देती हूँ। वैसे तो वो इतना मेरा वो अच्छा नहीं है, लेकिन गुनगुना। मियां साहब साथ देना थोड़ा सा। मोहब्बत की राहों में आ कर तो देखो, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। आपका ताल्लुक कहाँ से? बेसिकली माय फादर बिलोंग्स टू कश्मीर और मेरी जो मम्मा है वो मेरी साइड की, तो मैं मिक्सचर हूँ बेसिकली, तो मैं कश्मीरी हूँ। तो आप पोटवारी बोल लेती हैं? नहीं नहीं, मुश्किल है। और कोई लैंग्वेज बोलती हैं? थोड़ी सी बोल लेती हूँ, जैसे कि ऊपर जाने को कहते हैं उत्ता जुलदे, नीचे आने को कहते हैं तल्ले जा रहे हैं। मरी की तो आती है कुर गशने हो, क्या करने हो, ये तो ये आती वो तो डेफिनेटली आती है ना। हाँ ठीक है। और आपको इसके अलावा कोई और लैंग्वेज भी आती है? इसके अलावा तो कोई नहीं आती। नसीर साहब भी फिल्म भी आ रही सर, मेरे को खड़ो रायविंड फिल्म चंगी बनाओ, भावे बनी गला ले जाओ। कभी लाहौर कभी इस्लामाबाद, कभी लाहौर कभी इस्लामाबाद। मैनू लगता मैं पुलिस अफसर नहीं कंडक्टर हाँ। ओ सर जी मैनू कॉल आ गई पीएम हाउस तो। अच्छा। कहने निर्गोलिया काम खराब हो गया, काम बद गया, काम सून है पॉसिबल। अच्छा। मैं क्या होया कि ये कहने छोटे मियां साहब 6 घंटे तो अंदर बैठे ने ते बोल नहीं रहे ना साढ़े नाल ना अपने आप नाल। जी सर कहने ने 3 बारी कॉफी मंगाई ने पीती नहीं, कटे डाला पहला 5वां 7वां लाया, 7वां लगा ही नहीं क्योंकि उदे च है ही नहीं। कमरे गया तो वाकई बिल्कुल खामोश बैठे। अच्छा। हाँ इतने अतरा कह करके बैठे सन, मैं लगा पहले मैं लगा फोटो लगी हुई है लेकिन आप सन। ओ टेबल ते मैं वेखिया कॉफी दे 3 कप ठंडे, मैं कह सर कॉफी नहीं पी रहे। कहंदे ने कॉफी और हुकूमत में कोई फर्क नहीं होता।
वो कैसे कहते ने आती है गरम गरम है नाल ही ठंडी हो जाती है। मैं क्या सर अल्लाह रहम करे क्यों एडे डिप्रेस है गए हो तुसी ते मैं क्या जंग जू हो अच्छा। तुसी ते काम नु कुछ समझदे ही नहीं तुसी ते हर काम नु है नहीं करके है नहीं करके कहने लेकिन नहीं यार मैंने डार साहब ने डिप्रेस कर दिया 35 रुपए पेट्रोल पीछे बताया हाँ। थोड़िया दुआवां लोगों ने कढ़िया ने याद है पंजाब में जब मैं सीएम था सारा पंजाब मुझसे कांपता था बिल्कुल इतने मेरी कोई गल ही नहीं मनता मैं क्या सर माड़ी गल है कहते नहीं यार इस डिप्रेशन च निकलने वास्ते कोई इंटेलेक्चुअल बंदा लब ओके कोई बंदा ऐसा होवे जिहड़ा मैनू एंटी डिप्रेस कर देवे ओए होए होए मैं कह सर पाकिस्तान दी तारीख हां एक बंदा ऐसा होया बस निर्गोली यू हैव टू गो नाउ ओके सी यू टुमारो ओके आज फिर मैं गया ओ बंदा जिहड़ा मैं दस्या सी ओ बंदा ते शबाश श्री सब कठे ही स्विमिंग पूल स्विमिंग कर रहे सन फ्रेश रिलैक्स ना करे जी सर बंदा भला केड़ा सी कौन सरदार उस्मान बुजदार साहब सर सरदार उस्मान बुजदार साहब और शबाश श्री साहब कट्ठे स्विमिंग कर रहे यार ना और कट्ठे यहीं जा रहे ने ते कट्ठे ही उधर वापस आ रहे ने यार ते यहीं करके उन्होंने यहीं करके सिर कटे है सर रिलैक्स एंजॉय कहंदे ने सही बंदा लबे अच्छा हां कहंदे ने इमरान खान साहब ने मैनूं हुण समझ आई 3.5 साल इन्हां नूं हटाया क्यों नहीं क्योंकि सही एंटी डिप्रेशन रह गए ने कहंदे ने कुछ ना भी कहण ना हासा निकल जाता है और कहंदे ने पिछले 2 सदियां दे विच सिर्फ 2 बंदियां जी सलाहियत थी अच्छा पिछली सदी दे विच चार्ली चैपलन साहब दे विच सलाहियत सी अच्छा ते ए सदी दे विच सिर्फ उस्मान बुजदार साहब वाह यार बड़ी बड़ी थैंक यू बकरी नूं हथ कड़ी लाके थान लैके जा रहा मैं इहनूं कदों लैके जा रहा कहिंदा मैं जदों इहदे लागे लंघदा मैनूं ढुड्डा मारदी है पुत्तर मैं सिर्फ उहदी मैं कढ़णी सी ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਾਈਜਾਨ ਸੀਐਮ ਹੋਣਗੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨਗੇ ਉਸ ਬਾਅਦ ਬਰਜਾਈ ਐਮਪੀਏ ਬਣੇਗੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਰਜਾਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਦੀਆ ਬਣੇ ਅਰੇ ਵੋ ਤੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ सोच लिया सेरा किथे लेकिन मारिया जेब साहिबा सर शो बिज दे विच इस वेले टॉप ते जा रही यार मैं तुहाडी मासूमियत तो हैरान हालांकि तुसी है नहीं एक फ्रेश फोटो दे दियो क्योंकि अगो इलेक्शन ते आ रहा है या मेरे ख्याल नहीं आ रहा है जो कह रहे हो ठीक कह रहे हो ठीक है मतलब डबल एक्शन भी आ भी रहा ते नहीं भी आ रहा सर बैठो तुसी माशाल्लाह ए फोटो लगनी है अगले पोस्टर ते मैडम कहना या वे वन सेल्फिश डेफिनेटली फॉर श्योर व्हाई नॉट
थैंक यू जी। मैंने भी अब ना मैं अब सोशल मीडिया पे आ गया हूँ। ठीक है जी। हाँ अच्छा जी, अब मैं थाने नहीं जाता, अब मैं सोशल मीडिया पे जाता। ये तो बहुत अच्छा किया आपने। मैं सर ऑनलाइन थाना बना ले। अच्छा, ऑनलाइन थाना। ऑनलाइन थाना ये नहीं है। देखो मैं पब्लिक दे नाल इस तरह बंदा जुड़ जाता है। एक दिन इन्हें मुजरम ही कोई नहीं फड़िया। क्यों? इंटरनेट नहीं सी आ रहा। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। मियां साहब, अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फहद अयाज वटू है और मैं नसीर साहब से क्वेश्चन करना चाहता हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि आज से कुछ अरसा पहले नून लीग का पंजाब में बहुत होल्ड था और पीपल्स पार्टी और पीटीआई बहुत मुश्किल से चांद ही सीटें निकालती थी। अब वही नून लीग अपनी ग्रिप लूज कर चुकी है, ऐसी क्या रीजंस हैं, प्लीज़ बताएंगे आप? ये आपने ठीक कहा भाई कि ज़माने में हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रिप थी और आजकल हालात थोड़े से उस तरह के हुए हैं, लेकिन पॉलिटिक्स के अंदर मैं ये समझता हूँ कि ये जो पॉलिटिकल कैपिटल है इसके अंदर तब्दीली आती रहती है और वो फैसले डिपेंड करते हैं कि आपके पार्टी की परसेप्शन कैसे डेवलप हो रही है। तो ये जो टाइम हमें मिला है, ये जो दौर हमने आया हमारे पास 7-8 महीने का, इसके अंदर हमने कोई ऐसे अनपॉपुलर किस्म के फैसले किए हैं जो शायद पाकिस्तान के लिए तो ठीक थे लेकिन अवामी मकबूल फैसले नहीं थे, सो नुकसान हुआ है। और मेरा ख्याल ये है कि बाद दफ़ा बंदे को अब सियासत से हट के बाद फैसले करने पड़ते हैं जिसका नुकसान उठाना पड़ता है, वो हमने उठाया है। अब कितना नुकसान हुआ है ये तो आने वाला वक्त साबित करेगा। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, पाकिस्तान की 75 साल तारीख में पंजाब की जो डेवलपमेंट जुड़ी है, कोई डेवलपमेंट भी ले लें, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर से जुड़ी है। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला एजाज है और मेरा क्वेश्चन नसीर साहब से है। सर, के जैसे आपकी पार्टी मियां साहब को पाकिस्तान का नेल्सन मंडेला बनाकर पेश करती है कि आप वही पाकिस्तान की डेस्टिनेशन बदल सकते हैं और वो बहुत बहादुर हैं, लेकिन पिछले 4 सालों से वो लंदन में बैठे हैं जबकि अवाम गुरबत में पिस रही है और आज तरीके साहब पर मुश्किल वक्त है, तो उनका लीडर तो इमरान खान उनके साथ खड़ा है मुश्किल वक्त में, तो मियां साहब क्यों वापस नहीं आ रहे हो? ये 100% आपने ठीक कहा कि वो पॉलिटिकल लीडर है, उनको यहाँ पे आना चाहिए, बट मेरा ये ख्याल है कि जो उन पर उस वक्त के और उस वक्त के अहबाब ने और जिन दोस्तों ने जो केसेस बनाए थे, जिस तरह उनके अंदर उनको ख़राब किया गया था, जब तक वो हालात ठीक नहीं होते और जिस तरह का वो पाकिस्तान छोड़ के गए थे, वो समझते हैं 2018 में अभी पेट्रोल की बात हो रही है, डॉलर 105 का था, पेट्रोल 72 का था, तो उनका ये ख्याल है कि जब तक पॉलिटिकल सिचुएशन यहाँ पे ठीक नहीं होती तब तक यहाँ नहीं आना चाहिए। बट मेरा ये ख्याल है कि अगले 10-15 दिन या इस एंड ऑफ दिस मंथ वो पाकिस्तान के अंदर होंगे, कि जो पार्टीज़ हैं, चाहे वो पीटीआई है, चाहे मुस्लिम लीग है या पीपल्स पार्टी है, ये सिर्फ जातियात के साथ नहीं जुड़ी होनी चाहिए कि अगर इमरान खान ना रहे तो पीटीआई ख़त्म होगी या नवाज शरीफ ना रहे तो मुस्लिम लीग नहीं चल सकेगी। तो बुनियादी तौर पे तो पार्टियों ने नज़रिया, फिक्र और अपने मैनिफेस्टो पे चलना है। तो अगर ये लोग नहीं भी होते या नहीं भी जिंदा रहते या नई पार्टियों को लीड करते, तो अगर पार्टियाँ अपने मैनिफेस्टो के साथ जुड़ी हुई हैं तो फिर ये उस पर काम करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर ये तब्दीली भी आ रही है, नए लोग आ रहे हैं, नई क़यादतें आ रही हैं, तो उनको भी अगर मौका मिले और ये हमारे जो सीनियर अहबाब हैं उनकी सरपरस्ती करें तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है। जी तो 2020 का आगाज करते हैं, मियां साहब आपसे स्टार्ट करता हूं। सर, एक बायोग्राफी लाजमी पढ़नी है, किसकी होगी वो बायोग्राफी जो आप पढ़ना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मुराद अली शाह और जनाब उस्मान बुज़दार। उस्मान बुज़दार की पढ़ेंगे, उस्मान बुज़दार साहब की ज्यादा इंटरेस्टिंग। ये बताइए सर, एंटर हुए लिफ्ट के अंदर 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है क्या? पिछला सवाल दिया ना, मेरी लड़ाई हो गई थी, पिछला सवाल किया था। हाँ। मैं नाम नहीं बताऊंगा लेकिन वो जिन 3 बंदों का आपने लिया उनमें से एक के साथ हो गई थी। हो गई थी, चले बस ठीक है, तो साधा मकसद पूरा हो गया। ये बताए कि किसको स्माइल कर रहे हैं, किसको आप तस्वीर खिंचा रहे हैं और किसको कह रहे हैं कि फ्लोर आ चुका हुआ है? ऑप्शंस आपके पास है बिलाल ताड़, राणा मुबशर और मुश्तबा शुजाउर्रहमान। मुश्तबा शरीफ आदमी है। तस्वीर उनके साथ हो गई है, मुस्कुराए किसको देख रहे हैं? मुबशर भाई को। और फ्लोर आ चुका हुआ है? बिलाल को कहेंगे पार्टी छोड़ गया। ठीक है, ये बताइए सर, चांद पे जा रहे हैं, किसी को छोड़ के आ सकते हैं, खुद आप वापस आ जाएंगे, किसको चांद पे लेके जाना चाहते हैं फॉर वन वे राइड? ऑप्शंस आपके पास हैं आबिद शेर अली और अता ताड़। मेरे ख्याल आबिद भाई ने चले जाना चाहिए, आबिद भाई को चले जाना चाहिए चांद के ऊपर। ठीक है, टाइटैनिक पे तो आप जाते ही हैं, वीआईपी पास भी होता ही है, किसको साथ लेके जाना चाहेंगे टाइटैनिक पर? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और
मारिया से। तो आप पॉलिटिकल का पॉलिटिक्स से कंपैरिजन करें ना, क्यों मेरी मर्जी में होनी चाहिए वो गेस्ट का, ये मेरी नजर पड़ गई, मैंने उनको मौका देना चाहिए। जिन मजीद मौका दे लो मैं कैसे, नहीं नहीं आप बताइए, दोस्त तो आपने करना है आखिर। मारिया का ख्याल है कि डॉक्टर फिरदौस होना चाहिए, मेरा यही ख्याल है। वो अच्छी हैं, सीनियर हैं, मेरी बड़ी उनसे बड़ी अच्छी सलाम दुआ है। आपका क्या ख्याल है सर, ये बताएं। वो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो सीनियर है तो मैं उन्हें रिस्पेक्ट करूंगा। अच्छा तो आप डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान को टाइटैनिक पे लेके जा रहे हैं? मजबूरन मजबूरन नहीं, उनकी मर्जी है, वो बताएंगे क्योंकि मारिया नहीं जाना चाह रही। जब देखो ना सारी दुनिया जानती है तो हमें को डिफरेंट करना चाहिए। तो आप डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ना, सिंबॉलिकली भी तो लोगों को डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान है। ठीक, ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार दो लाइफ जैकेट्स, एक अपनी दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अख्तर हुसैन बादशाह और मारिया जेब। लाइफ जैकेट देनी है वो खातून का राइट बनता है जी, उन्हें बचना है पहले। खातून आप एग्री करती है? यस डेफिनेटली, डूब रही हूं तो बचाए तो सही कोई, और टाइटैनिक पे ना लेके जाए, बचा लें बस। बचा लें बस, ठीक है बचा लिया आपने। अख्तर हुसैन बादशाह साहब आपको उन्होंने लाइफ जैकेट नहीं दी है, क्या बात है। हमें प्रोग्राम देखे कर रहे हैं की गीता मारिया, आपने देख लिया कैसे खेलते हैं? देख लिया बिल्कुल बस, जबरदस्त। ये बताइए, एक बायोग्राफी आपने भी पढ़नी है लाजमी, किसकी बायोग्राफी पढ़ना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मियां नवाज शरीफ और जनाब आसिफ जरदारी। आसिफ जरदारी की, आसिफ जरदारी साहब की पढ़ना चाहेंगे बायोग्राफी। ठीक है, ये बताइए, आधी रात का वक्त है, आप शदीद बोर हो रही हैं, फोन में एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए आप इनमें से किन को करना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब कायम अली शाह। दोनों का मुझे नहीं पता कौन है, आपको इन दोनों का नहीं पता? सीरियसली कोई दोनों का भी नहीं पता? नाम बताएं दोबारा से। कायम अली शाह साहब और जनाब सरदार उस्मान बुज़दार। सरदार उस्मान बुज़दार, इनके साथ आप कॉल कर लेंगे बोरियत खत्म करने के लिए? वैसे आइडिया नहीं है मुझे। आपको आइडिया नहीं हुआ? आई डोंट हैव एनी आइडिया के सरदार उस्मान बुज़दार कौन? आई डोंट नो। ठीक है, साढ़े तीन साल से सानू भी आइडिया नहीं हुआ जी। एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, तीन लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास हैं हमजा अब्बासी, हुमायूं सईद और फवाद खान। सेल्फी किसके साथ है? फवाद खान के साथ सेल्फी। स्माइल किन को दे रही है? हुमायूं सईद को। ठीक है, और फ्लोर किसका आ गया? हमजा अलीबासी। हमजा अलीबासी, ठीक है। आप टाइटैनिक पे जा रही हैं, दो वीआईपी पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास हैं मौलाना फजलुर रहमान और मियां नसीर अहमद। मौलाना फजलुर रहमान। ये बताइए, चांद पे जा रही हैं, स्पेस रॉकेट के अंदर किसी को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ेंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। ओके, तो आपने बताना है आप किसको चांद पे छोड़ना चाहेंगे। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नोमी अंसारी और सना सफीनास। सना सफीनास, ठीक है, छोड़ दिया उनको। ठीक है, डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, आप वो दूसरी लाइफ जैकेट इनमें से किन को देना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब इसहाक डार, ठीक है, उनको तो और मैं जनाब भी नहीं बचाऊंगी। ठीक है, और जनाब आरिफ अलवी। आरिफ अलवी को बचा लूंगी, उनको तो मैं नहीं बचाऊंगी, वो बहुत एक्सपेंसिव है। बहुत एक्सपेंसिव हैं। आरिफ अलवी साहब को फिर भी बचा लूंगी, ठीक है, थोड़ा लगता है बचाना चाहिए। दोनों में से अगर किसी को ऑप्शन अगर आपने दिया तो आई विल गो विद आरिफ अलवी। आरिफ अलवी साहब, इसहाक डार साहब को ऑब्वियस आपने कहा कि बहुत एक्सपेंसिव कर देते हैं चीजों को। एग्जैक्टली यही बात है, तो उनको मैं नहीं बचाना चाहूंगा। उनको नहीं बचाया सर, ये देख ले इसहाक डार साहब को नुकसान हुआ है चीजें एक्सपेंसिव करने का कि वो नहीं बच पाए। दैट इतनी एक्सपेंसिव की क्या करे फिर बंदा। हां वैसे ये बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूं, आरिफ अलवी साहब को ऐसा कोई मौका नहीं मिला। मिले तो डेफिनेटली उनको थोड़े मौके मिले हैं, लेकिन फिर भी चलो दोनों में से चूज करना हो तो आरिफ अलवी साहब का पता है ना वैसे कौन? आई डोंट नो। आरिफ अलवी साहब का नहीं पता कि वो टाइटल क्या है? आप इस्लामाबाद में रहती हैं, ठीक। तो मियां साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और उम्मीद करते हैं कि आपने जो बातें की वो कोई कहीं पे सुने और शायद उनके दिल को भी वो बातें लग जाएं। आपका भी मारिया बहुत बहुत शुक्रिया, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर एंड योर लाइफ, और हम चाहेंगे कि आप इतनी ही एनर्जाइज हमेशा जिंदगी भर रहे हैं। थैंक यू।